इवनिंग दोस्तों ये आज का सेशन पढ़ते हैं और तो कल डेमो क्लास में फार्मूला बनाने के लिए सिखा क्लास जनरली इलेवेंथ क्लास एक क्लास ट्वेल्थ की नहीं है जनरली इलेवेंथ क्लास की घंटी है और इलेवेंथ क्लास में हम कुछ बहुत सारे बेसिक बातें ट्वेल्थ क्लास के सिखाएंगे सारे कंपटीशन की बात लेकिन सिलेबस की बात किया जाए तो ये इलेवंथ का ही से अगर सिलेबस की चर्चा की जाए लेकिन अगर सिलेबस से अगर हट के बात किया जाए तो ये कंपटीशन का हो जाएगा ट्वेल्थ क्लास का हो जाएगा हर क्लास का बेसिक कल आपको हम बता रहे थे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा केमिस्ट्री अच्छा लगता होगा अपने दोस्तों तक आप जरूर बताइएगा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा कि देखो साढ़े से लाइव क्लास शुरू हो गया है और ये अंतिम तक और यहीं पर हम लोग सब कुछ सीखते भी चले ठीक है चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पिछली क्लास में फॉर्मूला बनाने के लिए सिखा रहे थे क्लास में कुछ आपको बताए थे वो वैलेंसी अगर आपको याद है तो बहुत बेहतर होगा आज जो मैं लेशन चालू करने वाला हूं फॉर्मूला बेसिक लेसन का नाम है केमिकल फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला में आप लोगों को मैं क्या पढ़ाने वाला हूं ध्यान से देखिएगा कल इसका कुछ थोड़ी सी मात्रा में अक्ल पढ़ाया था ज़्यादा नहीं थोड़ी सी मात्रा कल हम बता रहे थे कि अगर सोडियम की चलते फिरते कोई वैलेंसी की बात करें तो वन होता है सिल्वर की वैलेंसी ओवन होता है इथियम की वैलेंसी ओवन होता है और पोटेशियम की वैलेंसी ओवन होता है चलते फिरते बात तो हम कल किए थे और आप चलते फिरते भी वैलेंसी याद भी कर लिए थे कल हम वैलेंसी कैल्शियम का भी बताए थे मैग्नीशियम का भी बताए थे और जस्ता का भी बताए और आप लोग को बताए क्या थे एल्युमिनियम का भी बताए एक बात और याद रखना हाइड्रोजन की वैलेंसी वन होती और कार्बन की वैलेंसी चार होती इतना सारी बातें आप लोग जरूर याद अगर इतना सारे बात आप याद रखते हैं तो बहुत भी अब मैं आप कुछ लोग को वैलेंसी अलग से पूछ रहा हूँ ताकि आपको भी कुछ पता चले चलिए वैलेंसी में अलग से पूछ रहा हूँ ध्यान से समझिएगा वैलेंसी अलग से मैं पूछ रहा हूँ ध्यान से पूरा याद से देखिए आप लोग हमें बताइएगा कुछ वैलेंसी अलग से हम चल रहे हैं चलिए क्लोराइड की वैलेंसी हम कल पूछे थे क्लोराइड की वैलेंसी कितनी क्रोमाइड की वैलेंसी कितनी आयोडाइड की वैलेंसी कितनी होगी फ्लोराइड की होगी? कि होगी? कितनी होगी ऑक्साइड की कितनी होगी नाइट्राइड की कितनी होगी कल हम पूछ रहे थे आप लोग से कल एक बात और बताए थे कि ओ की वैलेंसी याद कर लीजिएगा एन का भी वैलेंसी याद कर लीजिएगा एनो टू की भी वैलेंसी याद ही कर लीजिएगा और एनो थ्री की भी वैलेंसी याद कर लीजिएगा एच सीओ थ्री की वैलेंसी अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए अगर एच वैलेंसी याद कर सकते हैं तो याद कर ही लीजिए अगर की वैलेंसी याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा यानी क्लोरेट की वैलेंसी याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सर जी हम एम एन ओ फोर की वैलेंसी याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा ऐसे में आपको बता दूं कि एम एन ओ फोर की वैलेंसी एक भी होती है और दो एक जब होती है तो इसका नाम पर मैग्नेट होता है और दो होती है तो इसका नाम सिर्फ मैग्नेट होता है अच्छा इसके बाद में आपको कुछ बता दूं कि अगर आपके पास सीओ थ्री है तो इसकी वैलेंसी याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा अगर एसओ फोर की वैलेंसी भी आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा अगर आपसे याद होने लायक रहे तो आप पक्का याद कर ले चलिए कल कुछ और वैलेंसी आपको हम बताए थे अगर पी ओ फोर की वैलेंसी याद कर सकते हैं तो कर ही लीजिएगा अगर आपको लगे कि पी ओ थ्री की भी वैलेंसी याद कर सकते हैं तो कर लीजिए आपको लगता है कि सी आर ओ फोर की वैलेंसी हम याद कर सकते हैं कर लीजिए लगता है सी आर टू ओ सेवन की वैलेंसी याद कर सकते हैं कर लीजिए इतना सारा आपको अगर लगता है कि वैलेंसी याद करेंगे तो कर लीजिए इसके बाद कल हम कुछ फार्मूला बनाने के लिए सिखाए थे उस फार्मूला को आज थोड़ा सा कंटिन्यू आगे कर रहे हैं थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा रहे हैं और अगले लेवल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं आज की क्लास में ठीक है चलिए आज के क्लास यहाँ से शुरुआत होने जा रहा है चलिए मान लिया जाए कि अगर आपको रिएक्शन दिया गया है सोडियम प्लस ओ एच के कहा गया कि एक रेडिकल है एक परमाणु है और इसको बनाना है तो आप कुछ नहीं कीजिए दोनों को वैलेंसी एक साथ रखिए बताइए सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी और ओ एच की वैलेंसी कितनी बैलेंसी। अगर दोनों बैलेंसी कटता है तो हो सके उसको काट ही दीजिए अगर दोनों बैलेंसी नहीं करता है तो तिरछा तिरछी उसको उतार दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए ज्यादा तो आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ लेके चले जाइए ये रिजल्ट हो जाएगा ए ने रिजल्ट हो जाएगा ए अगर आपको लगे सर ऐसा है कि एक एक तो कहला ऐसा कीजिए काट ही में ही भला है हम तो समझेंगे इसको काट ही लीजिए हम तो समझेंगे कि अगर वैलेंसी ओवन ओवन है तो ओवन ओवन काट ही लीजिए तो सबसे बेटर बात हो जाएगा कि आप इससे इन ओ एच मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ के प्लस ओ एच की अगर रिएक्शन कराने के लिए ओ के एच के साथ रिएक्शन कराया जाए ओ एच की वैलेंसी ओवन और के की भी वैलेंसी ओवन अगर ओवन ओवन कट जाती है तो काट ही लीजिएगा रिजल्ट आ जाएगा के ओ एच प्रकार से बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग बनाने जा रहे हैं जैसे मान लिया जाए कि सिल्वर है और ओ एच है ओ एच की वैलेंसी ओवन और सिल्वर की वैलेंसी ओवन अगर ओवन ओवन कट जाती है अगर कटने लायक है तो उसको काट ही लीजिए और इसका जो रिजल्ट आएगा के जी ओ एच का हॉल ट्वाइस होल ट्वाइस नहीं आएगा ए जी ओ एच ही आएगा ठीक चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लिए मान लिया जाए कि थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है इथियम और ओएच OH दिया है इथियम की अभिक्रिया ओएच OH के साथ ही करवाइए तो लिथियम की वैलेंसी 1 और ओएच OH की वैलेंसी 1 तो ओ1 ओ1 जनरली कट ही जाएगा तो 1 ओ1 कट गया क्या गया एलआईओ ही आएगा ना इससे ज्यादा तो नहीं आएगा जैसे मान लिया जाए कि कैल्सियम प्लस ए है कैल्सियम प्लस ओ एच ऐसा दिया गया है तो हम लिख सकते हैं कैल्शियम की वैलेंसी और ओ एच की वैलेंसी तो से एक पक्का है कि कटेगा ही नहीं जब कटेगा ही नहीं नहीं करते है। आप इसको यहाँ लेके आ सकते हैं और इसको यहाँ लेके यह रिजल्ट हो जाएगा सीओ ओ जनरली यही होगा ना जैसे मैंने लिखा मैग्नेशियम मैग्नेशियम और ओ OH है तो इसको बैलेंस यू वन और इसका बैलेंस यू इसका कोई रिजल्ट पूछे कि क्या रिजल्ट इसका आने वाला है कहिएगा ये यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा मतलब क्या हो गया एम ओएच का हॉल्ट वाइज चलिए हमारे पास जिंक है हमारे पास ओ OH एच है और आगे बढ़नी है तो इसकी वैलेंसी यू इसकी वैलेंसी यू वन ये आएगा ना ये आएगा तो इसको यहाँ लिखें और इसको यहाँ लिखें तब रिजल्ट आ जाएगा जेड एन ओ एच हॉल्ट यही आएगा ना इसी प्रकार से मैं बहुत सारा फॉर्मूला बना अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं ऐसा रिजल्ट आप ला जैसे एल प्लस ओ का क्या रिजल्ट होगा जरा कमेंट सेक्शन में तेजी से एल प्लस ओ का रिजल्ट क्या होगा जल्दी से बताएंगे कहिएगा तो मैं थोड़ा सा हिंट्स कर दूंगा अगर आप बताएंगे तो मैं हिंट कर दूंगा इसकी बैलेंसी आप जल्दी से फटाक से आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हुआ? आप जल्दी से फटाक से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हुआ? एल ओ एच का है जल्दी से इसका रिजल्ट बताइए का है क्या इसका रिजल्ट आने वाला है? जल्दी से का है क्या इसका रिजल्ट आने वाला है थोड़ा जल्दी लाएंगे क्या क्या तो इसको यहाँ लेके चल जाएंगे और इसको यहाँ लेके चल यानी रिजल्ट आ जाएगा एल और ओ एच का हॉल थ्री आएगा हॉल थ्री ओ एच का आ जाएगा हॉल थ्री एल एच का ऑल थिंग आप दिमाग लगा के बनाइएगा तो दिमाग लगा के सोचिए हूं और इसकी क्या रिजल्ट आएगा दिमाग लगा के इसका रिजल्ट लाइए इसका क्या रिजल्ट आने वाला है दिमाग लगा के इसका कमेंट सेक्शन में आप रिजल्ट लाइए ऐसे में बता दूं इसका नाम बेरियम ऑक्साइड हो इसका नाम होगा बेरियम ऑक्साइड ऊपर वाला का नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेकिन बनने के बाद क्या रिजल्ट आएगा थोड़ा जल्दी बताएंगे क्या रिजल्ट तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा मतलब हो गया बी ए ओ एच का हॉल टू जरा दिमाग लगाइए अगर सोडियम की अभिक्रिया साइनाइड के साथ करा दी जाए और साइनाइड की वैलेंसी ओबन और सोडियम की वैलेंसी तब रिजल्ट क्या आने वाला दिमाग लगाइए तब रिजल्ट क्या आने वाला है दम दिमाग लगाइए और अच्छे से दिमाग सोडियम की वैलेंसी वन और साइनाइड की वैलेंसी वन दिमाग लगाइए इसका सही जवाब आपको दिमाग लगाना है किसका सही जवाब क्या आएगा यही दिमाग आपको लगा लगाइए दिमाग इसका सही जवाब क्या तो बताइए ये यह यहां चला जाएगा और ये यह यहां चला जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा ए ने cn का hult cn cn का hult नहीं आएगा क्योंकि तो वैलेंसी अगर समान रहे तो कट जाता है अब कुछ तो नहीं होगा अगर कोई ऐसे बनाते इस तरह से गलत है ये पहले आप लोग बनाने के लिए। अगर दोनों की बैलेंसी अगर सेम टू सेम है ऐसे नहीं करना है जैसे कर दिए तो अगर बैलेंसी सेम टू सेम है तो काटना है आपको अगर वैलेंसी सेम रहे वन से वन को काट लीजिए तब रिजल्ट आ जाएगा एने क्या रिजल्ट आएगा जब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते सिंह सर जी का नमस्ते भाई हैं अंता सिंह देखिए ऐसे ही काटना है आपको ऐसे मैं आपको बता जैसे मान लिया जाए कि पोटेशियम की अभिक्रिया साइनाइड के साथ कराई गई है और इसकी और तो तो काटने के बाद सीधे लिख देना है के और सी शायद अगर आप ये समझ पाए हैं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बनाने के लिए आपसे सही सही बनना चाहिए चलिए दब सही सही बनना चाहिए ध्यान माग लगाइए इसकी वैलेंसीओ वन इसकी वैलेंसीओ वन क्या रिजल्ट आएगा बताइए आप एक अच्छे तरीके से दिमाग लगाइए क्या इसका रिजल्ट आएगा बताइए दोनों की वैलेंसीओ वन वन है तो बताइए इसका क्या रिजल्ट आएगा बताइए केजी में बताइए तू तो। एक न्यू स्टूडेंट है शांता सिंह करें नमस्ते सर जी इतिश मेहता अरुण यादव राहुल कुमार के एस रॉकी अब सभी लोग जितने लोग लाइव हैं चलो बताइए क्या इसका रिजल्ट आएगा एजीसीएन का क्या रिजल्ट आएगा तो सर AGCN का रिजल्ट कट के आ जाएगा एजीसीएन AGC. का रिजल्ट कट छट के आ जाएगा एजीसी चिंटू हेलो सर जी आप चिंटू रा लाओ तो तेजी में इथियम प्लस सीएन है इसका क्या रिजल्ट लाएगा तेजी में भालेंसी उबान, भालेंसी उबान, क्या रिजल्ट आएगा तेजी में क्या रिजल्ट आएगा दिमाग लगा के जल्दी लाओ तो क्या रिजल्ट आने वाला है क्या रिजल्ट आने वाला है तेजी में इसका रिजल्ट लाओ क्या रिजल्ट आएगा तो सर जी इसका रिजल्ट ओ वन ओ वन कट जाएगा ना तो क्या आ जाएगा एल आई सी आएगा ना दिमाग लगाओ अब कटने वाला दिएगा ही नहीं क्लास केमिस्ट्री का ये बेसिक भी है इलेवंथ का सिलेबस है ऐसे में आठ बजे से आज ट्वेल्थ पढ़ाऊंगा ट्वेल्थ क्लास पढ़ाऊंगा चलिए अब ध्यान देंगे जैसे कैल्शियम और सी एन है कैल्शियम और सी एन है अब क्या कीजिए कि कैल्शियम की बैलेंसी दो और साइनाइड की बैलेंसी ये इलेवेंथ क्लास का है एकदम जीरो लेवल से चल रहे आखा गए से चल रहे कि आपको चलिए सही सही दिमाग लगाइए क्या किया आएगा तो चौबीस का बच्चा का है सर इरा नंबर नाइनटी फाइव आया है क्या नाम है आपका संदीप आर्या वेरी गुड बहुत सुंदर आप सलूट ले रहे क्लास में है सर बहुत अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग इसका क्या रिजल्ट है तो ये एक से दो नहीं कटेगा ध्यान से समझना है तो यहां इसको यहाँ लेके चले जाए इसको यहाँ लेके चले तो बताइए सी सी एन होगा भाई और ये हॉल टू आ जाएगा कटेगा ही नहीं जब कटेगा ही नहीं छोड़ तो देंगे ना आग लगाओ यहाँ पे जैसे एम जी है प्लस सी एन है ए, से और एक एप्लीकेशन है एम विद्या एप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें सब लिखा हुआ रहता है कितना पैसा लगेगा और कितना नहीं लगेगा ऑफर में फी क्या है और ऑफर में फी चलिए अब बताओ जल्दी इसकी वैलेंसी टू और इसकी वैलेंसी वन क्या रिजल्ट आएगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ इसका क्या रिजल्ट आएगा जल्दी बताओ इसको क्या रिजल्ट आएगा MgCN का हॉल टू यही आएगा ना ये यह यहाँ चला जाएगा और ये यह यहाँ चल जाएगा दिमाग लगा के बनाओ एल्यूमिनियम प्लस साइनाइड वन वैलेंसी तीन क्या रिजल्ट आएगा इसका जल्दी 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 दिमाग लगा के बताओ क्या रिजल्ट आएगा इसका तो इसका ऐसे आएगा और इसका ऐसे आएगा एल्यूमिनियम और सी का हॉल थ्री आएगा ना इसी टाइप का मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहा हूं आप कितने सीखे हैं उस पर डिपेंड करता है चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए सोडियम प्लस अगर आप दोनों की वैलेंसी जानते हैं तो तेजी में इसका रिजल्ट लाइए जल्दी अगर दोनों का रिजल्ट जानते हैं तो तेजी में इसका रिजल्ट लाइए इसका रिजल्ट क्या आएगा फास्ट कम ऑन अगर आप जानते हैं तो इसका तेजी में रिजल्ट लाइए तेजी में बैलेंसी वन इसकी बैलेंसी वन फास्ट रिजल्ट ओवन ओवन जेनरली कट जाएगा इसका रिजल्ट आ जाएगा एने एनो टू आप तेजी में एक रिजल्ट लाएंगे सोडियम प्लस सोडियम प्लस का रिजल्ट लाएंगे इसकी इसकी वैलेंसी वैलेंसी एनोथिले फटाक से जरा जल्दी से रिजल्ट इसका लाएंगे क्या रिजल्ट इसका आने वाला है जल्दी कम ऑन क्या इसका रिजल्ट लाने वाला है तो वन ओवन जेनरली रिजल्ट हो जाएगा एने का रिजल्ट आ जाएगा एनो एनो एने ले कमेंट क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए तेजी में सोडियम तो की रिएक्शन अगर MnO4 के साथ हो रही का नाम परमैग्नेट है और वैलेंसी भी ओवन है का नाम परमैग्नेट है और वैलेंसी ओवन है जल्दी कम क्या रिजल्ट आएगा फास्ट क्या रिजल्ट इसका आएगा जल्दी से तो 1 0 1 कट जाएगा इसका रिजल्ट आ जाएगा एनी MnO4 चलिए अगला क्वेश्चन सोडियम प्लस एम फोर और इसकी वैलेंसी दो है और इसकी वैलेंसी वन है इसका रिजल्ट क्या आएगा जल्दी से कमॉन जल्दी से कमॉन आइए इसकी क्या आएगा दिमाग लगाइए इसका आंसर लगे क्या इसका रिजल्ट आएगा जल्दी दिमाग लगाइए इसका आंसर लगे तो आप इसको यहां लेके चल जाओ और इसको यहां लेके चल ये रिजल्ट आ जाएगा एन ए टू एम एन ओ फोर एन ए टू एम एन रिजल्ट आ जाएगा एन ए टू एम एन चलिए दिमाग लगा के आंसर लाना है सोडियम प्लस इसकी दो है दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को बनाना है जल्दी कम ऑन दिमाग लगा के इसका आंसर लाना है क्या इसका आंसर आएगा दिमाग लगाइए और इसका आंसर लाइए तो पता चला कि ये कटने वाला है ही नहीं एक से दो पक्का नहीं कटेगा तो आप इसको यहां लेके आ जाइए और इसको यहां लेके आ जाइए, ये रिजल्ट आ जाएगा एने टू एन ए टूर ऐसे मैं बता दूं कि इसका नाम सोडियम क्रोमेट का नाम सोडियम क्रोमेट है चलिए दिमाग लगा के बनाना है सोडियम की वैलेंसी वन और डाई क्रोमेट की टू डाइक्रोमेट की वैलेंसी टू दिमाग लगा के इसका आंसर लाइए कि क्या इसका आंसर आएगा लगाइए दिमाग क्या इसका आंसर आएगा दिमाग लगाइए और इसका आंसर लाइए क्या इसका आंसर आने वाला है लगाइए दिमाग क्या इसका आंसर है आपको अपने से दिमाग लगाना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है तो अगर कटने वाला है तो काटेंगे नहीं तो इसको ऐसे और इसको ऐसे कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा एन इसको पढ़ेंगे सोडियम डाइक्रो पढ़ेंगे सोडियम डाइ दिमाग लगा के आंसर लाना है सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है जनरली बनाइए इसका क्या रिजल्ट आने वाला सोडियम की वैलेंसी वन कार्बोनेट की वैलेंसी टू क्या रिजल्ट इसके आने वाला है दिमाग लगाइए और आंसर तो एक से दो कटेगा ही नहीं तो आप यहां आ जाइए और इनको यहां भेज दीजिए यानी रिजल्ट आ जाएगा एन का रिजल्ट आएगा एने अगला क्वेश्चन तेजी में एन ए टू एसो फोर वन क्या रिजल्ट आएगा कमा क्या रिजल्ट आएगा दिमाग लगा के इसका रिजल्ट लगे रिजल्ट क्या आएगा दिमाग लगाइए और इसका रिजल्ट लगे दिमाग लगाइए और इसका रिजल्ट लाइए तो आप इसको यहां लेके चले जाइए और इसको यहां लेके चले इसका रिजल्ट आ जाएगा एनओ टू फोर एन ए टू एस ओ फोर नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग लगानी है और आंसर लानी है ठीक है सी है फॉस्फेट है इसकी वैलेंसी तीन होती है और इसकी वैलेंसी वन होती है क्या रिजल्ट आएगा दिमाग लगाइए और आंसर लाइए कि रिजल्ट क्या आएगी जल्दी से दिमाग लगाइए और आंसर लाइए इसकी रिजल्ट क्या आने वाला है दिमाग लगाइए और आंसर लाइए क्या इसका रिजल्ट आने वाला है तो ये एक से तीन कटेगा ही नहीं तो तीन को यहाँ ले आइए और एक को लेकर चलिए यहाँ पे तो ये रिजल्ट हो जाएगा एन ए थ्री फोर इसका रिजल्ट आएगा एन ए थ्री एन ए थ्री दिमाग लगा के आंसर लाना है सोडियम तो प्लस PO3। थ्री टोडियम तो प्लस पीओ थ्री वैलेंसी तीन होती है और वैलेंसी वन होती आपसे तेजी से आंसर आ नहीं रहा है आपसे एकदम आंसर नहीं आ रहा है दिमाग लगाइए और आंसर लाइए आपसे आंसर आ नहीं रहा है जल्दी से दिमाग लगाइए लग और जल्दी से आंसर लाइए क्या इसका आंसर आएगा दिमाग लगाइए और इसका आंसर लाइए चलिए तो ये तीन यहां आ जाएगा और एक यहां चल जाएगा ये रिजल्ट आ जाएगा एन ए थ्री प्योर सोडियम ये, ये सभी को रिएक्शन कैल्शियम से कराना था अगर कैल्शियम की अभिक्रिया NO2 टू के साथ करा दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा दिमाग लगाइए अगर कैल्शियम की अभिक्रिया NO2 टू के साथ करा दिया जाएगा तो क्या बनेगा फटाक से इसका आंसर यदि कैल्शियम की अभिक्रिया NO2 टू के साथ करा दिया जाए क्या बनेगा दिमाग लगाइए इसकी बैलेंस सीओ इसकी बैलेंस सीओ एक से दो कटेगा नहीं ये यह दो यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ चल जाएगा मतलब एक को जनरली लिखिए या ना लिखिए तो पूछने जा नहीं जा रहा है आपसे तो को आप क्यों नहीं आपसे तेजी से आंसर आ नहीं रहा है आप चुपचाप सिर्फ देख रहे हो कि कैसे बना तेजी से आंसर लानी थी जैसे मैग्नेशियम की अभिक्रिया एनो टू के साथ करा दी गई है तो क्या आएगा दिमाग लगाइए तो यदि मैग्नेशियम के अभिक्रिया क्रिया टू के साथ कराई तो लगाइए दिमाग क्या आएगा मैग्नेशियम के, के साथ कराई गई है आग ये लगानी है कि इसकी, इसकी तो कटेगा है नहीं तो इसको हाँ और इसको हाँ लिखे तो हो जाएगा एम जी एनो टू हॉल टू आग लगाना था कि जिंक की अभिक्रिया एन टू से अगर करा दी जाए क्या बनेगा ये बतानी है यदि जिंक की अभिक्रिया एन टू से कराया जाए तो क्या बनेगा दिमाग लगाना जिंक की अभिक्रिया एन टू से होगा तो क्या बनेगा यही दिमाग क्या बनेगा इसकी यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर एलमोनियम की अभिक्रिया एन ओ टू से कराई जाए तो क्या बनेगी यदि एलमोनियम की अभिक्रिया एलो एल एन ओ टू के साथ करा दिया जाए तो क्या बनेगा दिमाग लगाइए तो बनाना क्या है अल्मोनियम की भैलेंसी। तीन, तीनेंसी वन तो सब बात हम लोग समझ ही रहे हैं कि यहाँ चल जाएगा और तीन यहाँ मतलब ए एल एन ओ टू हॉल थी एनो टू का हॉल थी दिमाग लगाना है मान लिया जाए कि कैल्शियम की अभिक्रिया एनोथी के साथ कराई गई है कैल्सियम की अभिक्रिया क्रिया के साथ कराई गई है तो दिमाग लगा के बनाइए क्या बनेगा बताइए इसकी अब एक से दो कभी कटेगा नहीं लाख लाभ का एक कटेगा नहीं मुड़ी पटक के मर जाओ तुमसे तो नहीं, नहीं करना है भैया इनको यहां कर कर माथा पर का तरा माथा पर का कर गोड़ है मैग्नेशियम की अभिक्रिया नाइट्रेट के साथ कराया जाए नाइट्रेट का फार्मूला एनोथिन मैग्नेशियम की अभिक्रिया नाइट्रेट के साथ कराया जाए और नाइट्रेट के फॉर्मूला एनोथिन नाइट्रेट का फार्मूला एनोथिन <homelessness> करना इसकी वैलेंसी वन और कंप्लीट ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा एमो थ्री हॉल्ट दिमाग लगा के बनाना था कि एलमिनियम को नाइट्रेट के साथ कराए कराएं तब रिजल्ट क्या आया है बताइए मैं देख रहा हूँ कि जितना स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ या बना रहा हूँ तुम लोग एकदम चुप एकदम चुप चाप देख रहे हो तो तुम लोग को भी दिमाग लगा के बनाना चाहिए कि हम लोग क्यों नहीं बना सर जी इतना फास्ट काहे बनाएंगे हम लोग इतना क्यों फास्ट नहीं दिमाग लगाना था कि हमको फास्ट क्यों नहीं बनाना तो आप करना क्या था कि इसको यहाँ लेके जाना था इसको यहाँ लेके जाना यहां यहां आ जाएगा ए एल आग लगाइए ओ थ्री आ तीन यहाँ से यहाँ आया तो हॉल थ्री एलो ए एल एन ओ थ्री का हॉल थ्री आग लगा के बना इतने दिमाग लगाएंगे आग उतने जैसे पोटेशियम की अभिक्रिया सी एल ओ फोर के साथ कराइए दिमाग लगा के कराइए पोटेशियम की अभिक्रिया सी एल ओ थ्री के साथ पोटैलियम की अभिक्रिया सी एल ओ थ्री के साथ कराइए क्या बने पोटासियम की अभिक्रिया सी एल ओ थ्री के साथ कराइए क्या बने सी एल ओ फोर है ओ वन ओ वन तो कट ही के सी एल ओ फोर अच्छा कुछ नहीं करना है के सी एल ओ थ्री आ गई है सी एल ओ फोर के साथ अगर नहीं करा सकते हैं तो सी एल ओ थ्री के साथ तो करा ही सकते आपसे जाना पहचाना आदमी है आदमी है, दिमाग लगा, बनना है दिमाग लगा के बनाना है क्या बनेगा जल्दी बताइए इसकी वैलेंसी ओवन और इसकी वैलेंसी दिमाग लगा के बनाना है क्या बनेगा का के लिख दिए और थ्री पोटासियम क्लोरेट नाम है इसका क्या नाम है पोटासियम क्लोरेट और पोटासियम पर क्लोरेट पोटासियम क्लोरेट और पोटासियम पर क्लोरेट पोटासियम क्लोरेट और पोटासियम पर क्लोरेट का नाम है चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आग लगा के आपको बता साफ सुथरा बात बताना क्या बताना है अगर अभिक्रिया साथ करा दिया जाए अलूमियम की अभिक्रिया क्लोरेट के साथ करा दिया जाए अलियम की अभिक्रिया क्लोरेट के साथ करा दिया जाए। दिमाग लगा के बनाना है यदि अल्मोनियम की अभिक्रिया क्लोरेट के साथ क्लोरेट का क्लोरेट का फार्मूला सीएल थी अगर क्लोरेट की फार्मूला जाए तो क्या बनेगा बताइए ये आ जाएगा यहाँ और ए आ जाएगा यहां रिजल्ट हो जाएगा ए एल वन को नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं को मत लिखिए कोई दिक्कत लेकिन तीन को तो लाना पड़ेगा तीन को तो लाना पड़ेगा अल्मोनियम क्लोरेट क्या नाम है अल्मोनियम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोरेट पोटासियम के साथ कराएंगे तो पोटासियम क्लोरेट आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ सबसे बड़ा चीज यही है करवा रहे हैं किसके साथ सबसे बड़ा चीज चलिए मैं थोड़ा सा थोड़ा सा एरिएबल वैलेंसी एरिएबल वैलेंसी एरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी को हिंदी में नहीं कहते हैं परिवर्तनशील संयोजक परिवर्तनशील संयोजकता परिवर्तनशील संयोजक परिवर्तनशील संयोजकता किसे कहते हैं ये भी ध्यान कि वो वे तत्व तो एक एक से अधिक एक से अधिक संयोजकता एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं तो उसे परिवर्तनशील संयोजकता परिवर्तनशील संयोजकता वो परिवर्तनशील संयोजकता कहलाता है परिवर्तनशील संयोजकता कहलाता परिवर्तनशील संयोजकता कहलाता है या कहा जाता है सबसे बेस्ट कहा जाता है लगता है कहा जाता है कहा जाता है ज्यादा बेटर बता दूं कि ऐसा तत्व बहुत ज्यादा नहीं छे है और छे के नाम अच्छे से आप किया तो परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व ऐसे लोग वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी परिवर्तनशील संयोजकता, संयोजक कौन कौन है तो कॉपर है मरकरी है के बाद है लोहा है और मैंगनीज है स्टेशन है और पीवी है कॉपर की वैलेंसी एक भी है दो तो भी है मरकरी की वैलेंसी एक भी दो तो भी तोहा की वैलेंसी दो तो भी तीन भी दो तो भी तीन भी दो तो भी, भी।, तो भी चार भी दो तो भी चार यानी इस वैलेंसी को याद रखना है अगर इस वैलेंसी को आप याद रखते हैं बहुत अच्छा इस वैलेंसी को आप याद रखते हैं तो बहुत अगर इस वैलेंसी को आप भूल जाते हैं तो आपको फार्मूला बनाने में बहुत ज्यादा परेशान एप्लीकेशन पर क्लास रात्रि के आठ बजे से चले एप्लीकेशन पर क्लास ब्रह्मा का रात्रि आठ बजे जहाँ हम लोग कुछ बेसिक बातें इलेवेंथ क्लास की क्लास और ट्वेल्थ का ये बेसिक इलेवेंथ की बातें हैं और ट्वेल्थ क्लास ये, 11th से ये इलेवंथ का सिलेबस इतना बात आप याद करके अगले क्लास में जब बैठे इतना बात आपको याद रहना चाहिए अगर इतना बात याद करके अगले क्लास में बैठे हैं तो अगले क्लास में आप फॉर्मूला कम यानी चैप्टर का चैप्टर में हम दो क्लास और लेंगे आज छोड़ करके इस चैप्टर में दो क्लास हम और लेंगे ये फॉर्मूला वाला चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा यानी कल हम लोग साढ़े पाँच बजे अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आपको होता है तो आप मैं एक नंबर लिख रहा हूँ उस नंबर पर कॉल कीजिए प्रकार का कोई समस्या होता है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए नाइन वन थ्री फाइव एट फाइव टू जीरो फाइव वन हमारे टेक्निकल टीम से बातें हो जाएगी इस नंबर से टेक्निकल टर्म से बात हो जाएगी जा आपको बात करने की इच्छा नहीं है तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए सेव करके अपना व्हाट्सएप व्हाट्सएप से हाई लिख के भेज दीजिए भेज दीजिए दी। और कोई समस्या हो तो अपना समस्या भी लिख के भेज आपकी समस्या का निदान तुरंत के तुरंत कर दिया कोई टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे आप इस नंबर पर सेव कर लीजिए इसको और सीधे व्हाट्सएप नंबर है कॉलिंग नंबर है व्हाट्सएप पर हाई लिखिए अपनी समस्या लिखिए और लाइव इसी नंबर से जितना भी बच्चे लाइव पढ़ते हैं तो सभी लोग यहीं से आप लोग मदद मिलता है तो आज यही तक कल फिर मिलेंगे शाम के पाँच बजे कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पर, पर कॉल करें अपना समस्या को दूर अप्लीकेशन पर क्लास रात्रि के आठ बजे से फिर मिलते हैं पे क्लास के मैं रहा चैप्टर और लेंगे आपको हेडअप फिर आपको परमाणु संरचना में आपको अच्छे से चैप्टर की बात पहले आप फॉर्मूला बनाने के लिए जीरो लेवल से अपर लेवल तक क्या बनाए हर लेवल को फॉर्मूला को कहते बनाया जाता है यही हम आपको आज यहीं तक कल हम लोग थोड़ा और लंबा सभी लोग एप्लीकेशन पर, पर वाले बच्चे अपना